दूध या पानी में यह चूर्ण मिलाकर लेना शुरू कर देंगे। दोस्तों, नसों में अगर ब्लॉकेज हो गई हो, नसों में दर्द रहता हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया हो या फिर डायबिटीज की समस्या हो, अगर आपका खून गाढ़ा हो गया हो या फिर वेरिकोज वेन की समस्या रहती हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, सूजन रहता हो या फिर चलने उठने बैठने में काफ़ी तकलीफ होती हो, रोजमर्रा के काम करने में तकलीफ होती हो, शरीर में कमजोरी का सामना करता हो, दोस्तों ये सारी समस्याओं से ये छुटकारा दिलाएगा। आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम में बताया गया है कि इस होम रेमेडी से, ये जो चूर्ण आज मैं आपको बताऊंगी, उसकी मदद से बहुत सारी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, एक बहुत ज़बरदस्त और कमाल का ये फायदेमंद घरेलू उपाय है। दोस्तों, आपको ये होम रेमेडी बनाने में कोई भी परेशानी की सामना नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ 2 से 3 सामग्री की मदद से आप ये चूर्ण बनाकर रख सकते हैं और इसको आप किसी डब्बे में रखकर कम से कम 10 से 15 दिन तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उम्र ज़्यादा हो गई है और उम्र बढ़ने की वजह से अगर आपको बीमारियाँ हो रही हैं, उन सारी बीमारियों को ये दूर करेगा और आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाएगा। दोस्तों, अगर आपकी उम्र कम है और कम उम्र में भी अगर आपके हड्डियों में दर्द रहता है या फिर आपके नसें ब्लॉक हो जाती हैं या फिर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी रहती है, हमेशा थकावट रहता है, तो ये जो आज जो घरेलू उपाय मैं बता रही हूँ, ये आपके शरीर के लिए टॉनिक का काम करने वाला है, आपके शरीर को सारी बीमारियों से दूर रखेगा। तो सबसे पहला जो इसमें हमें सामग्री लेनी है उसका नाम है फ्लैक्सीड। दोस्तों, फ्लैक्सीड को हम हिंदी में अलसी के बीज भी बोलते हैं और बहुत सारी जगहों पे इसे तीसी भी बोलते हैं। इसमें लिनोलिक एसिड होता है और ये हमारे शरीर को काफ़ी फायदा पहुंचाता है। साथ ही साथ इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है जिससे हमें जल्दी बीमारी नहीं लगती है और हमारे शरीर में अगर दर्द रहता है तो उसको वो ठीक करता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया हो या फिर न्यूरॉन से रिलेटेड आपको कोई समस्या हो, जैसे कि साइटिका का दर्द रहता हो, ये सारा कुछ को ये ठीक करने में काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। यहाँ तक कि हड्डी को भी मजबूत बनाता है, हड्डी से जुड़ी बीमारियों को दूर करता है, शरीर में खांसी जुकाम नहीं होने देता है, थायराइड की समस्या को भी ये बहुत हद तक कम कर देता है। दोस्तों, जो हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्याएं होती हैं, जैसे कि पीरियड टाइम पर नहीं आना, मुहासे का निकलना, मोटापा हो जाना, ये सारे कुछ में ये काफ़ी फायदेमंद होता है। वात से जुड़ी बीमारियों को भी ये दूर करता है। सिर्फ इसे लेने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि हम यहाँ पर 2 कप अलसी के बीज का प्रयोग करेंगे और इस अलसी के बीज को हमें कच्चा इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि इसे हमें कच्चा इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसको लेने से पहले इस बीज को हमें एक कढ़ाई में डाल लेना है और इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट हमें लगभग 4 मिनट तक करना है मीडियम फ्लेम पर। इससे पटपट की आवाज़ आएगी, जैसे पॉपकॉर्न से आवाज़ आती है उस तरह की आवाज़ आने लगेगी। 1 मिनट तक ये आवाज़ आने दें, लगातार इसे चलाना है, उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके इसे हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। दोस्तों, ठंडा होने के बाद हम इसका पाउडर बना लेंगे, मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसे हम पीस लेंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ ऐसे औषधि मिलाएंगे जो इसकी शक्ति को और भी दुगुना तिगुना करेगा। तो इसमें दूसरी जो सामग्री हम मिलाएंगे वो हम मिलाएंगे दालचीनी का पाउडर। दोस्तों, दालचीनी का पाउडर बाजार में मिल जाता है, लेकिन हमें बाजार से लेकर नहीं आना है, आपको लेना है 4 से 5 दालचीनी का टुकड़ा 1-1 इंच का और उसका कूट के आपको या फिर मिक्सर ग्राइंडर में आप उसका पाउडर बनाकर तैयार कर लीजिए। पाउडर घर में बना हुआ रहता है तो ओरिजिनल रहता है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी रहता है, मिलावट से हम दूर रहेंगे। दोस्तों, जो दालचीनी होता है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, नसों की कमजोरी को दूर करता है, नसों को मजबूत बनाता है, खून में अगर कहीं पे ब्लॉकेज हो गई हो तो उसको भी वो साफ करता है, घुटने के दर्द में काफ़ी फायदेमंद साबित होता है, एड़ियों के दर्द में, कमर के दर्द में या फिर किसी तरह का भी आपको अगर दर्द है तो उसको ये दूर करने में काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। यहाँ तक कि शरीर में गैस एसिडिटी को भी ये दूर करता है। तो हमें कितना पाउडर लेना है, बड़े चम्मच से 1 चम्मच पाउडर सिर्फ आपको इसमें मिला देना है। अभी दूसरी सामग्री जो हम इसमें डालेंगे वो है हल्दी का पाउडर। दोस्तों, हल्दी को भी हम घर में ही सूखी हल्दी का पाउडर तैयार करेंगे, बाजार से लेकर नहीं आएंगे, और हल्दी की जो गांठ मिलती है उससे को हम पीस कर पाउडर तैयार करेंगे। दोस्तों, हल्दी जो होती है वो जॉइंट पेन को दूर रखती है, नसों में होने वाले दर्द को ठीक करती है, शरीर में बहुत सारे रोगों को ये दूर करती है।
तो इसका जो पाउडर होता है वो बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर शरीर में सूजन रह रहा हो, नसें ब्लॉक हो गई हो, तो उसको ये साफ करेगा। साथ ही साथ शरीर में अगर कहीं भी गंदगी हो, पेट में कब्ज रहता हो, यहाँ तक कि अगर आपको बुखार सर्दी जुकाम लगती हो, उसमें भी ये काफ़ी राहत दिलाता है। तो हल्दी पाउडर हमें सिर्फ बड़े चम्मच से एक चम्मच इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम इसमें एक और औषधि मिलाएंगे जो बहुत ही काम की औषधि है, उसका नाम है सौंठ। सौंठ को हम इंग्लिश में ड्राई जिंजर पाउडर बोलते हैं। दोस्तों बाजार में इसका पाउडर तो उपलब्ध होता है, लेकिन सेम आपको क्या करना है, सौंठ यानी सूखा हुआ अदरक लेना है और उसका घर में ही पाउडर का तैयार करना है। पाउडर तैयार करने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में काफ़ी फायदेमंद होता है, खून को साफ करता है, हड्डी के दर्द में बहुत ही फायदेमंद होता है, कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है, मधुमेह में भी बहुत ही फायदेमंद होता है जिससे डायबिटीज हमारे शरीर में जल्दी नहीं लगती है, वात को दूर करता है जिससे हमारे शरीर में जोरों का दर्द नहीं होता है, कफ को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ ये हमारे शरीर को मजबूत भी बनाता है। तो कितना इस्तेमाल करना है, बड़े चम्मच से एक चम्मच आप यहाँ सॉफ्ट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिला देना है और ये चूर्ण हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब ये चूर्ण बहुत ही फायदेमंद है, इसे लेना कैसे है, इसका प्रयोग कैसे करना है, तो आइए हम जान लेते हैं। इसका प्रयोग अगर आप दूध के साथ करेंगे तो आपको ये काफ़ी फायदेमंद होगा, लेकिन बहुत सारे लोग दूध नहीं ले सकते हैं, उनको दूध पसंद नहीं है या फिर शरीर में दूध लेना मना है, तो आप उनके लिए आप चाहें तो यहाँ बादाम का दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नारियल का दूध यानी कोकोनट जो मिल्क आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये सब भी चीज़ें आप अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो आप हल्के गुनगुने पानी के साथ भी यह चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ छोटे चम्मच से आधा चम्मच चूर्ण आपको रोज़ ही लेना है। दोस्तों इसे लेना कब है, तो इसे आप जब रात में सोने जाते हैं, सोने से 10 मिनट पहले आप इसे दूध में या फिर जैसा कि मैंने बताया मिला लें और इसे आप धीरे धीरे पी सकते हैं। इससे आपके शरीर में जो ब्लॉकेज हो गई हैं, खून में ब्लॉकेज हो गया है, उसको भी ये दूर करें। हड्डियों के दर्द, जोरों के दर्द, तमाम दर्द से आपको ये राहत दिलाएगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा जिससे आप बीमार नहीं होंगे, ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज़ में भी काफ़ी फायदेमंद ये साबित होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करेगा, मोटापा को दूर करेगा और आपको चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त बनाएगा, शरीर में कैल्शियम विटामिन डी की कमी नहीं होगी। सिर्फ आपको रोज़ सुबह 5:30 या 6 बजे की धूप सेक लेना है प्रतिदिन, और बहुत दर्द अगर आपको रहता है तो आप लहसुन वाली सरसों की तेल बना लीजिए या तिल के तेल में लहसुन को पका लीजिए और उससे दर्द पे आप मालिश कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और दूसरी चीज़, अगर आपको नारियल पानी उपलब्ध हो तो नारियल पानी रोज ही सुबह आप पी लें। अगर आपको कफ की समस्या नहीं है तभी आप नारियल पानी का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आप पानी वाली चीज़ों को ज़्यादा खाइए, जैसे कि फलों में आपको हो गया तरबूजा हो गया, ये सारी चीज़ों का जो सीजनल फल हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इसे 25 दिनों तक खाइए इस पाउडर को, आपको एक से दूसरे दिन में ही बहुत फ़ायदा दिखने लगेगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर से कर दीजिएगा। शुक्रिया।